हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। प्यारे बच्चों, आज का छोटा सा एक सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार बच्चे ऐसी भारी भरकम गलतियां कर देते हैं जिसका हर्जाना उनको एग्जाम्स में पीछे हटने का होता है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी गलतियां जो हर स्टूडेंट करता है और वो हमें नहीं करनी, नॉट सेट में ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहली गलती, बच्चा जब पेपर देखता है तो पेपर देखते ही उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जल्द से जल्द पेपर को फिनिश करूं। इसके चक्कर में वो थॉरो रीडिंग मारना चालू कर देते हैं कि बस हाँ मैंने ऊपर से देखा, देखता गया और फटाफट जो आया मैंने टिक कर दिया। नहीं बच्चों, हमेशा पहला काम आप यही करिएगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, उसको बड़े धैर्य के साथ 2 या 3 बार आप पढ़िए, देन ऑप्शन पे देखिएगा। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसका आंसर इमेजिन कीजिए दिमाग में। जैसे कि कोई भी आपने पढ़ा कि न्यूनेट में कितना कंप्रेशन होगा, अडल्ट में कितना होगा, आपको क्या पढ़ाया गया, वो दिमाग में एनालाइज किया कि सर 3/1 पढ़ाया था, और ऑप्शन में ढूंढिएगा 3/1 है, टिक कर दीजिएगा। पहली आपको यही करना है, गलती ना करें कि हम जल्दबाजी में सारे क्वेश्चंस को देखने के चक्कर में, हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को धैर्य के साथ देखना है। दूसरी बात, हर क्वेश्चन में बराबर का टाइम दें। बच्चे जो करते हैं वो टाइम को अलग अलग तरीके से बर्बाद कर बैठते हैं। मान लीजिए आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी, रीजनिंग नहीं पढ़ी, और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बैठ रहे हैं जो मैथ का है और जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, और उसमें आप 5-10 मिनट आराम से लगा रहे हैं। और ऐसे अगर आपने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कर दिए, मेजर पोर्शन आपका टाइम का बर्बाद हो चुका है। तो आपको वो क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं, 100% आपको आंसर आता है, उनमें ज्यादा टाइम दीजिएगा। फिर आप टाइम को बांटते बांटते दूसरे की तरफ आइएगा और जो फील्ड आपकी सबसे कमजोर है उसको बाद में छेड़िएगा। तीसरी बात, आप लोग ध्यान रखें कट ऑफ मार्क्स का। कट ऑफ मार्क्स बड़ा योगदान देता है आपके सिलेक्शन में या फेलियर में, क्योंकि बच्चे आज तक ये गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं तुक्का मारने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपकी थिंकिंग है वही 80,000 या 1,00,000 बच्चों की थिंकिंग है कि मैं तुक्का मारूंगा तो तुक्का मारने से मेरा परफेक्ट आंसर जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, एम्स बड़े हाई आईक्यू से बनाता है पेपर, सब बड़े बड़े लोग मिलकर के पेपर तैयार करते हैं, तो तुक्का मारने की गलती मत कीजिएगा कि हम तुक्का मारें। और जनरली अगर आपको नहीं आ रहा और आप मारना चाहते हो तो मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगा सकते हैं। ये वो है कि 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाएंगे तब जाकर के 3 सही होंगे, तो आप तुक्का मारने का तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा कि सर हम जो है हमारा टाइम हम वेस्ट ना करें पानी पीने में या वॉशरूम जाने में, क्योंकि जनरली बच्चे क्या होते हैं, घबराते हैं तो पानी की बोतल की डिमांड करने लग जाते हैं, उसमें ध्यान लगा लेते हैं। पूरा फोकस, ये जो आपकी जिंदगी के 2-3 घंटे हैं, ये पूरा कंप्लीट फोकस मांगते हैं। फोकस को बांटे नहीं, आप इधर उधर देखेंगे कि हो सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, यहाँ इंटेलिजेंट हो। नहीं बेटा, आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ये यकीन करिएगा। इधर उधर कहीं नहीं देखना, कोई अपना माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, मुझे पानी पीना है, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। आप बैठिए कंप्यूटर पे, जो आपने पढ़ा उसको एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के बाद वो दिमाग में एनालाइज कीजिए, क्या मैंने यही पढ़ा था, इसका ऑप्शन ये पढ़ा था, ठीक है तो ढूंढिए और टिक कर दीजिए। इसके अलावा आप गलती ये मत करिएगा कि मैं हर क्वेश्चन को स्किप करूं। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, स्टार्टिंग के जो मिनट होते हैं एग्जाम चालू होने से पहले आपको गाइडलाइंस आएंगे आपके स्क्रीन पे, उस गाइडलाइन में होगा कि आपको कोई क्वेश्चन को कंफर्म करना है तो आपको कैसे ग्रीन करना पड़ेगा उसको कंफर्म, किसी को स्किप करना है तो स्किप का क्या ऑप्शन होगा, उन ऑप्शंस को पढ़िए, टाइम को मैनेज कीजिए, नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा बचिए, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, ये स्ट्रेटेजी रखिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एम्स नॉर्थ सेट के अंदर। तो शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।